स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज आप मुझे कुछ दूसरे फॉर्म में देख रहे होंगे। ये मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, बाहर बैठ करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। रोशनी मेरे सामने है तो कोशिश विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं आ पा धूप रही। हमारे यहाँ बाहर देर इस से समय रहती ना है, तो हमारे मैंने ऐसी इस की तरह से धूप रहती है। पानी गमलों में पानी डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गमले एकदम तप जाते हैं। हम लोग टिन के पीपे का इस्तेमाल होता है, पुराने पॉट्स का इस्तेमाल करते, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने कल ही पेंट किए हैं गमलों को। पेंट समय समय पर पेंट करने से फ़ायदा ये होता है कि पर इसमें जो भी आप पौधा लगाते हो, प्लांट्स लगाते हैं, तो उनकी मिट्टी आसानी से गर्म नहीं होती, क्योंकि नया पेंट जो है सन की रेज को रिफ्लेक्ट करता है। ये विज्ञान वाले विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए मैंने कल ही पेंट किया था। अब फिर भी अपेक्षाकृत खेत में अगर आप कोई पौधा लगाते हैं अथवा गमलों में पौधा लगाते हैं, तो गमले में फिर भी समय समय पर पानी देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गमले का जो पौधा होता है उसका एरिया कवर्ड हो जाता है, वो अगल बगल से पानी नहीं ले सकता और टोटली आप पर ही डिपेंड होता है। जब आप उसको पानी डालोगे तभी वो डेवलप हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने पानी डाल रहा हूँ। ये तुलसी का पौधा है। आजकल हमारे यहाँ गेंदे के फूल और तुलसी के पेड़ होते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग जो है घर के पुराने डिब्बे जो होते हैं, जब तक तेल के पीपे, और जैसा कि आप देख पा रहे डेक में हमने लगा रखा है, डेक में छेद करके इसको मैंने पेंट कर दिया है। जो भी पुराना बर्तन होता है हम रद्दी वाले को अथवा कबाड़ी वाले को देते नहीं है, उसमें छेद छाद करके इस तरह से इसमें मिट्टी भर के लगा देते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि पर्यावरण के अनुकूल होता है। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बोतल वो काट कर बनाया हुआ गमला है, ये पुरानी बोतल पड़ी हुई थी। इस तरह से ये तेल का पीपा है, इसका निचला वाला हिस्सा बिल्कुल गल चुका है, लेकिन फिर भी जब तक पूरी तरह से नहीं गलता हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। इसमें हमने जिरेनियम का पौधा लगा रखा है, ये ज़्यादातर गर्मियों में फूल देता है, लेकिन जब भी देते हैं आते हैं तो इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। इसके अलावा इस मौसम में हमारे यहाँ तुलसी हो जाती है, गेंदे के फूल हो जाते हैं। गेंदे को हम लोग अपनी लोकल भाषा में हजारी कहते हैं। हजारी का यही मतलब होता है कि दिस इज द बंच ऑफ फ्लावर। जो वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गेंदे का फूल एक्चुअली में फूल नहीं होता, इट इज ए ग्रुप ऑफ फ्लावर। जैसा कि आपने कभी ध्यान दिया होगा, ये फूलों का एक समूह होता है, इसलिए हम लोग भी इसको हजारी कहते हैं। टोकरिया हजारी, कठुआ हजारी, हिवनिया हजारी, ज्यादातर इस मौसम में जो होता है जाड़ों वाली हजारी होती है। फिर भी इसमें झाड़ झंकार जमते रहता तो समय समय पर उखाड़ना पड़ता है। तो मैं इस तरह से आपसे बातें करते हुए सीढ़ियों से ऊपर भी चलते हुए जा रहा हूँ और फालतू की घास भी उखाड़ते हुए जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। असल में क्या है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि रोज़ के रोज़ मुझे कहीं जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी अपनी इंडोर एक्टिविटी अथवा दिनचर्या को एक ब्लॉग का रूप बन ब्लॉग के फॉर्म में पिक्चराइज करके उसके एडिट वगैरह करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन। वर्ड्स आर इनसफिशियंट टू से, क्योंकि किसी भी क्रिएटर की सफलता उस बात पे डिपेंड करती है कि उसको कितने व्यूज मिले हैं अथवा कितने लोगों के द्वारा उसके वीडियो को लाइक किया गया, डिसलाइक किया गया, कमेंटमेंट किया गया। अगर मैं कहूँ कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ तो उस पर मेरी सफलता निर्भर नहीं करती है, वो रिलीज होने के बाद जितने व्यूज मिलते हैं वही उस बात को इंगित करते हैं कितने लोगों के द्वारा देखा गया है। इस तरह से मैं पानी डालते हुए आ गया हूँ। ये हमारे यहाँ हजारी जो मैंने कहा था गेंदे का फूल, ये इस तरह से खिला हुआ है। तो इस तरीके से मैं अपनी दिनचर्या को एक ब्लॉग के फॉर्म में बना करके आप लोगों को ये वीडियो बना देता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हो, साथ ही जो भी आपको कमी लगती है, शिकायत लगती है, वो भी आप लोग बताया करें, क्योंकि आपके सुझाव और शिकायत से हमें वीडियोस को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इट मे हेल्पफुल फॉर इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी, इम्प्रूव आवर वीडियो कॉन्टेंट ऑल्सो। समय समय पर आपके कमिटमेंट भी मिलते रहते हैं, यथा योग्य मैं उनका उत्तर भी दे पाता हूँ, कई बार मैं नहीं भी दे पाता हूँ। अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पेज अथवा व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल रहता है, आप वहाँ पर जाकर भी अपनी अपनी इच्छा से, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से विजिट कर सकते हैं। ये गेंदे के फूल मैंने इस तरह से पानी डाल दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आजकल ज़्यादातर पानी डालना, काफ़ी दिनों से बरसात नहीं होते, पानी डालना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे, ये व्यू है इस समय का, और मैंने लगभग लगभग पानी डाल दिया है।
ज्यादातर पौधों में पानी जो है सूर्यास्त के बाद डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी काफी पुअर आ जाती है, क्योंकि खुला एरिया होने से बिजली का जो है उतना अच्छा रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं बन पाता है। ये इस तरह से मैं अपने घर के आधा किलोमीटर आगे आ गया हूँ। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें शायद लेंटर की ढलाई का काम चल रहा है, क्या चल रहा है मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये एक मशीन मैंने देखी, जैसा कि मैं दिखा दूँ इस तरह से, इसमें हैवी ऑब्जेक्ट को पुल अथवा पुश करने के काम आती है। शायद भारी सामान को उठाया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके नीचे एक बकेट है, बकेट जो है ये ऊपर वाला जो है इसका लिफ्ट जहाँ से हो रहा है वो 360 के एंगल में कहीं पर भी घूम जाता है। आप वीडियो में बने रहिए और उसको देखते जाओ। उस तरह से जो इसका बकेट है, बकेट ही कहना चाहिए, इन्होंने इसको हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं या क्या कहते हैं इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। इस तरह से नीचे से ऑपरेट होता है और इस तरह से घूमते 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 नीचे आ गया नीचे, क्योंकि अगर किसी चीज़ को मशीन से काम कराते तो अपेक्षा समय कम लगता है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से ये मशीन धीरे 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 नीचे आ रही है, और जब ये पूरा नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर जहाँ पर इसका सामान रखा है बिल्डिंग मटेरियल, वहाँ से बिल्डिंग को मटेरियल को लिफ्ट किया जाएगा। ये असल में क्या होता है, पहाड़ों में पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते तो उतनी क्लियर विजिबिलिटी आ नहीं पाती है, और मशीन ऑपरेट करने में भी विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अन्य मैदानी हिस्सों में तो इतनी खतरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों में पेड़ पौधे वगैरह होते हैं तो उसको भी थोड़ा मेजरमेंट करना पड़ता है, उस हिसाब से निकालना पड़ता है। तो ये बालू का ढेर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस पर मशीन को इन्होंने नीचे उतार दिया है, अब मजदूरों के द्वारा इसको फिल किया जाएगा बालू से और मटेरियल। इसमें काफ़ी बड़ी बकेट होती है, मोबाइल पे तो आपको छोटी दिख रही होगी, ये भी वीडियो में काफ़ी दूर से बहुत दूर से सड़क से ही शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा मे बी शायद पिक्सल भी फैल रहे होंगे। तो इसके बगल में कुछ जनरेटर वगैरह भी रखा हुआ है, जो भी इनका निर्माण कार्य में सामग्री इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से इन्होंने मजदूरों ने इसमें बालू को डालना शुरू कर दिया। जब यह बकेट पूरी भर जाएगी तो ये अपने आप यहाँ से लिफ्ट हो जाती है नीचे से, कहीं से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहाँ से बैटरी के द्वारा इसको एनर्जी मिलती होगी, या मे बी शायद बिजली से भी चल सकता है, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। 90 एंगल में लगा हुआ एक कोई मशीन तरह की है, तो आइए एक जगह आप इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने इसको भरना शुरू कर दिया बकेट से कि और बिल्डिंग बन रही है और उसका निर्माण कार्य चल रहा है, काफ़ी सारे मजदूर वगैरह लगे हुए हैं। बरसातों में इनके कार्य में थोड़ा विघ्न बाधा आ गई थी, तो इस वजह से चल रहा है। एंड दैट्स द इसी के एंड साथ दिस आज का ये एपिसोड। ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम इसी नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज है, आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वहां पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। वंदे मातरम।